ओके गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन 28. एज ये आपकी एनसीईआरटी बुक नहीं है, दिस इज़ अ सर्कुलर बुक फॉर क्लास 9 फिजिक्स ऑफ लखमीर सिंह एंड मनजीत कौर एस चंद वाली पब्लिकेशन वाली बुक है. अब ज़रूरी नहीं है ये सबके पास होगी, बट इट्स जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं यहाँ पे. तो उनमें से दो क्वेश्चन जो बहुत ही जनरल हैं, और इसमें यू नो जब मैंने पहली बार ट्राई की तो मेरे समझ में नहीं आए थे, बट आफ्टर दैट आई गॉट टू नो, तो आई थिंक ये आपको भी हेल्प करेंगे. सो द क्वेश्चंस आर 28 एंड 29, इतने टफ नहीं हैं. इज लाइक फिज़िक्स इतनी अच्छी है ना, कि क्योंकि फिज़िक्स क्या है ना, केमिस्ट्री और बायो से सबसे अच्छी है. क्योंकि फिज़िक्स में क्या होता है, दैट फिज़िक्स को आप समझ सकते हो बिकॉज वो आपके अराउंड होती हैं चीज़ें. बायो को भी समझ सकते हो, आपकी बॉडी के अंदर ही होती हैं. बट केमिस्ट्री मेरे समझ में नहीं, मतलब अच्छी है केमिस्ट्री, ऐसी भी कुछ खास बात नहीं है. बट केमिस्ट्री में ये चीज़ है कि केमिकल होते, मतलब केमिकल रिएक्शंस ये सब होते ना, वो आँखों के सामने नहीं होता, वो फील नहीं हो पाता. घर में इतना ही यू नो, सबके घर में कोई स्लैब तो है नहीं कि केमिकल्स पड़े होंगे, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट्स कर भी नहीं पाते. बट अब यूट्यूब में इतनी वीडियोज़ आती हैं एक्सपेरिमेंट्स की आजकल, तो आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, सब मिल जाएगा आपको. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन 28, व्हाट इट सेज इज, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 m/s. अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट सो दैट इन 25 seconds इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 35 m/s. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स अप्लाइड. वैल्यू ऑफ द फोर्स मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. सिंपल ये है कि हमें फोर्स निकालना है कि कितना फोर्स हमने, वो कितना फोर्स लगाया जो यहाँ पे लगाया जा रहा है 25 सेकंड के अंदर, ताकि जो है अभी क्वेश्चन समझते हैं. एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, ठीक है. देयर इज अ बॉडी जिसका मास 5 kg है, ओके. और ये जो बॉडी है ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है. दिस बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 m/s. और क्या होता है, इस बॉडी पे एक फोर्स लगाया जाता है विद इन 25 सेकंड्स. और वो फोर्स इसलिए लगाया जाता है ताकि जो इसकी वेलोसिटी है वो 10 से 35 m/s हो जाए. कितने टाइम के अंदर, 25 सेकंड के अंदर. तो आपको बताना है ये जो फोर्स हमने लगाया ना इसको 35 m/s में आने के लिए, वो उस फोर्स की वैल्यू क्या है, वो कितना है फोर्स. तो हमें पता है दैट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू ma, जिसका मतलब क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यही होता है. अब आपके पास मास है कितना, 5 kg, बट एक्सेलरेशन कहाँ से लाओगे, क्या कहाँ से लाओगे भैया. हमको फिज़िक्स वालों ने ना सारे फार्मूला दिए हैं, फार्मूला रखने हैं और बस, सब हाथों हाथ, ठीक है. फार्मूला क्या है, दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, वेयर वी इज़ द फाइनल वेलोसिटी एंड यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी. सो देखो, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, देखो वो स्टार्ट फाइनल थी, स्टार्ट किससे क्या, इनिशियल क्या थी, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही थी स्टार्टिंग में 10 m से, और आते 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 लास्ट कितनी वेलोसिटी से रुकी, 35 m. यानी कि स्टार्टिंग 10 थी, रुकी 35 से. तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 35 - 10 अपॉन में, ओके. सो 35 - 10 में अपॉन टाइम, टाइम यानी कि कितने टाइम के अंदर ये चेंज हुआ है, 25 सेकंड के अंदर अंदर हमने क्या किया, 10 m से इसको 35 m/s में लिया, तो अपॉन 25. अब आप देखो 35 - 10 25 और ये 25, तो अब क्या हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा. तो हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन 1 m/s² है, ठीक है. एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट ये होती है. सो नाउ फोर्स इक्वल टू ma, सो फोर्स m क्या था, 5, एक्सेलरेशन क्या है 1, 5 × 1 5 newton, ख़त्म बात. दिस इज़ योर आंसर, ओके.